100 में से 15-20 महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, उनको पहली तिमाही में ही गर्भ गिर जाता है, मिसकैरेज होता है। अगर आपके साथ ये रिपीटेड बार बार हो रहा है तो आज आपको इस वीडियो में सोल्यूशन मिलने वाला है। हेलो एवरीवन, स्वागत है हम सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। हम बात करने वाले हैं कि बार बार हो रहे मिसकैरेज को कैसे ठीक करें, आप खुद से क्या कर सकते हैं और किस तरीके से इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, अपनी प्रेगनेंसी को 9 महीने तक ले जा सकते हैं और एक सुखद डिलीवरी में परिवर्तित कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर ये आपको अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, 3 प्रमुख कारण है जिसकी वजह से अर्ली प्रेगनेंसी में गर्भ गिर जाता है। प्रकृति है सब कुछ, लेकिन उसको हमें डिकोड करना है, समझना है, फिर उसका रेमेडी को फॉलो करना है जिससे ये प्रॉब्लम आपके लिए खत्म हो जाए, आपको कभी परेशान नहीं करे। सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि लगभग मान लीजिए मोस्ट ऑफ केसेस, यूं कहें कि 60% केसेस में जेनेटिक रीजन से मिसकैरेज होते हैं, उसको भी दूर किया जा सकता है, वीडियो में हम आगे उस पर भी बात करेंगे। दूसरा रीजन है यूट्रस की संरचना। यूट्रस में स्कार है, सेप्टम है, पॉलिप है, फाइब्रॉइड्स है, यूट्रस की जो लेयर है, इंटरनल लेयर जो एंडोमेट्रियम है, वो 3 परतों से मिलकर बनी हुई होती है, वो किस तरह की है, रिसेप्टिव है या नहीं। अगर रिसेप्टिव नहीं है या स्ट्रक्चर में इश्यूज हैं तो गर्भ नहीं टिक पाता, शुरू के 13 हफ्ते के दौरान ही मिसकैरेज हो जाता है। तीसरे, हमारे हॉर्मोन्स, एंडोक्राइन इश्यूज। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या आपको भी हॉर्मोनल प्रॉब्लम है तो बार बार मिसकैरेज का सामना करना पड़ सकता है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि जेनेटिक रीजन क्या होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, एग और स्पर्म मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है तो क्रोमोसोम्स का ट्रांसलोकेशन होता है। 23 मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं और 23 जोड़ी बनते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन ट्रांसलोकेशन के टाइम में उनमें कमी, नंबर्स में कमी या ज़्यादा या गलत पेयरिंग हो जाने की वजह से जेनेटिक डिफेक्ट आते हैं और ऐसे डिफेक्टिव प्रेगनेंसी को आपकी बॉडी खुद ही रिमूव कर देती है। इससे बचने के लिए आप प्रेग्नेंट होने से पहले जब बेबी प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मन बनाया, मानस बनाया कि हाँ अब परिवार बढ़ाना है, तब आप फॉलिक एसिड का सेवन चालू कर दें। ना केवल सप्लीमेंट बल्कि फूड आइटम्स, फॉलिक एसिड में क्या खाना है उस सारे वीडियोस इस आई बटन में दी गई लिंक से आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सारे तत्व तो आपको बहुत अच्छी मात्रा में शरीर में होने चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो, सफलतापूर्वक हो और प्रेगनेंसी 9 महीने तक सुरक्षित रहे। यूट्रस में एनोमली होना, इसके लिए आपको पहले से अपनी जांचें करवा के रखनी है। अगर आपके ओ हिस्ट्री है फाइब्रॉइड की, पॉलिप की, तो उसको दूर करना है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, उसको खुद से कैसे ठीक कर सकते हैं, और कई लोगों ने उसे हमारी टिप्स को फॉलो करके ठीक किया है, प्रेगनेंसी उनकी सफल भी रही है, तो आप भी उन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। मोरिंगा, आंवला, ऐसी बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से उनको श्रिंक करा देती है, आपको ऑपरेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कई बार ऑपरेशन करवाया, 2 बार करवाया, 3 बार करवाया, लेकिन बार बार वो ग्रोथ हुई, तो ऑपरेशन करवाना इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं। परमानेंट सोल्यूशन टिप्स में है, आप उनको फॉलो करें क्योंकि वो नेचुरल हैं, डाइट टिप्स हैं और बॉडी को प्राकृतिक रूप से बैलेंस में लाती हैं, शरीर को सपोर्ट करती हैं, कंट्रोल नहीं करती। सर्विक्स इनकॉम्पिटेंसी, बच्चेदानी में किसी तरह की मस्कुलर प्रॉब्लम है तो कीगल एक्सरसाइज करें। कीगल एक्सरसाइज के साथ साथ ही अगर आप शिवलिंग और पुत्र जीवक का सेवन करेंगे, बड़ी ही पुरानी प्राचीन आयुर्वेदिक औषधि जैसे कहते हैं शिवलिंग और पुत्र जीवक है, यहाँ पर मैं डिटेल नहीं बता सकती क्योंकि शिवलिंग और पुत्र जीवक पे मेरा अलग से वीडियो है, उसको इस आई बटन में दी गई लिंक से जाके आप देखें और शिवलिंग और पुत्र जीवक को लेने का तरीका समझें। प्राचीन आयुर्वेदिक और बहुत ही प्रमाणिक नुस्खा है यूट्रस डिसऑर्डर्स को ठीक करने का, या आपके हॉर्मोन्स भी बैलेंस कर देता है। अगर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि बाहर से जो आप केमिकल एक्सपोजर हो रहा है वो कम हो तो आपको। दूसरा, थायराइड प्रॉब्लम है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो उसको कंट्रोल मिलाइए, बैलेंस मिलाइए, जो ज़रूरी मेडिकेशन आपके डॉक्टर दे रहे हैं वो लीजिए। और सबसे ज़्यादा मैं जोर दूंगी खान पान और तौर तरीके लेंगे तो दवा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको अगर आप ठीक कर लेते हैं तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर कंट्रोल में रहेंगे और मिसकैरेज नहीं होगा। बार बार मिसकैरेज से बचने के लिए यूट्रस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, यूट्रस की स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर जो साबुत अनाज में, सलाद में, पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, फॉलिक एसिड पे ध्यान देना है, बहुत सारे विटामिन्स यूट्रस की मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, तो उन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर ये काम आपने कर लिए, निश्चय ही मिसकैरेज से आप बचेंगे।
और बहुत आसानी से आपकी प्रेगनेंसी होगी, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। उम्मीद करते हैं आप भी इसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। आपकी कुछ जिज्ञासा, कुछ क्यूरियोसिटी, कुछ सवाल हो तो हमें कमेंट करें, लेकिन कुछ ऐसे सवाल ना पूछें जिन पे पहले से वीडियो है। अपनी प्रॉब्लम को सबसे पहले हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखें, यूट्यूब में डाल के देखें अपने सवाल को कि क्या वो यूट्यूब सहेली चैनल पे अवेलेबल है। अगर है तो आपकी समस्या का समाधान आपको मिल चुका है, बस उस वीडियो को पूरी तरह देखें, समझें, फॉलो करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाय बाय।